हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो माँ बनने के लिए तैयार है, यानी कि माँ बनना चाहती हैं और उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे पा रही है, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो आज मैं आपको सिंपल कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको फॉलो करने से आप आसानी से माँ बन सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखना है और उन्हें अपने जीवन में अपनाना है। अगर आप ऐसा कर लेंगी तो आप देखिए एक ही महीने में अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव कर सकती हैं। मां बनना हर महिला के लिए खास और सुखद अनुभव होता है। कुछ लोग शादी के तुरंत बाद ही गर्भधारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा समय लेकर बच्चा प्लान करते हैं। कुछ महिलाओं का शरीर ऐसा होता है कि वो एक ही बार में कंसीव कर लेते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ औरतें अनेक प्रयास करने के बाद भी, अनेक महीने निकलने के बाद या फिर अनेक साल होने के बाद भी उनकी बॉडी कंसीव नहीं कर पाती है। आखिर क्या कारण होते हैं कि उनकी बॉडी कंसीव नहीं कर पा रही है। तो गाइस, जानकारी को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन महिलाओं का पीरियड्स टाइम 28 दिन का होता है तो उनकी बॉडी 11वें दिन से 14वें दिन के बीच ही कंसीव कर लेती है। हालांकि सभी महिलाओं की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है और उनका गर्भधारण करने का टाइम पीरियड्स भी अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, पीरियड्स होने के 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक अगर आप संभोग करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस 100% हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप जल्दी से गर्भधारण यानी कि प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सबसे पहले है आपको तनाव से दूर रहना होगा। कई बीमारियों की जड़ होती है तनाव, तो आप जितना हो सके तनाव से दूर रहिए, खुश रहिए। अगर आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। हमारे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, इससे हमारी प्रेगनेंसी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा है फ्रेंड्स, नशे करने से बचें। बहुत सी महिलाओं को नशे करने की आदत होती है, जैसे ड्रग्स, शराब, नशीली दवाइयाँ, तंबाकू। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करती हैं तो आपको इन चीज़ों का सेवन बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने वेट को संतुलित बनाकर रखना चाहिए। जिन महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ता है तो उन्हें मधुमेह या दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा भी हो जाता है। इसके अलावा उनके पीरियड्स पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। या तो उनके पीरियड्स जल्दी आने लगते हैं या फिर काफ़ी टाइम बाद आने लग जाते हैं। आपको अपने वजन को संतुलित बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा शरीर का तापमान, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने शरीर के तापमान पर भी ध्यान दें। रोजाना सुबह उठने के बाद आप अपने शरीर का तापमान चेक करें। आपके शरीर का तापमान 96 डिग्री से लेकर 98 डिग्री फारेनहाइट तक होना चाहिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी टाइम हो गया है या आप किसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके बाद ही आपको अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी स्वस्थ जीवन शैली को भी अपनाना चाहिए। हमारी जीवन शैली का सबसे ज़्यादा असर हमारे गर्भधारण क्षमता पर पड़ता है। माँ बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। आपको भरपूर पानी पीना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ऐसा करने से आप आसानी से गर्भधारण कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने अच्छे खानपान पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको विटामिन, खनिज, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। अपने खानपान में आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, फल,
दालें आदि शामिल करने चाहिए। तला हुआ मसालेदार स्पाइसी खाना आपको छोड़ देना चाहिए। इससे आपके शरीर में एसिड बनता है, पेट की समस्याएं हो जाती हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हैं तो आपको इनका तुरंत सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपके बच्चेदानी पर हो सकता है। आपके मासिक धर्म के चक्कर में सातवें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच गर्भधारण करने के चांस ज्यादा होते हैं, संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक अगर आप संभोग करते हैं तो आपके गर्भधारण करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और दूसरा, अगर आप संभोग के दौरान तनाव में हैं तो आपको बिल्कुल भी तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। अगर आप गर्भधारण करना चाहते हैं तो संभोग के बाद आपको कुछ देर तक पीठ के बल लेटे रहना चाहिए। तो गाइस, मैंने आज आपको बताए हैं कि आप कैसे जल्दी गर्भवती हो सकते हैं, यानी कि आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे हैं तो गाइस इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसा करने से आपकी गर्भधारण करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपकी बॉडी एक ही बार में कंसीव कर पाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत सारा लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।